छोटी में मारा छोटी ताला के भोई छोटी कटवा के हाला नमस्कार, मैं हूँ राहुल पांडे और आप देख रहे हैं परसों तक खबर जो आप चाहें, क्योंकि हमें तो खबर मिलती नहीं। छोटी कटवा आखिर ये है कौन? बहुत से इसके मामले सामने में आ रहे हैं, तो इसी मुद्दे पे आज हम लालू जी का इंटरव्यू लेंगे। लेकिन उससे पहले, लड़कियों की छोटी कटने की इतनी अफवाह बढ़ गई है कि लड़कियां आजकल दहशत में जी रही हैं। ये वीडियो देखिए। उधर वो छोटी काटने वाले चुड़ैल घूम रहे हैं, फिर दो दिन लोग काट दिया, इधर से मत जाना, थोड़ा मतलब ध्यान से जाना। छोटी काटने वाला आ रहा है ना आजकल यहाँ, तो चुड़ैल का चल रही है ना, चुड़ैल आपने देखा होगा टीवी पे। आप आगे से निकल जाना, मैं थोड़ा ध्यान से मतलब थोड़ा लेफ्ट में रहना, आप इधर से जाओगे। इसी के बारे में पूरी जानकारी के लिए आज हम लालू यादव जी के साथ इंटरव्यू करेंगे। तो लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ लालू जी। नमस्कार लालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, इसका नाम है परसों तक। तो लालू जी, आजकल जो महिलाओं की चोटियां काटी जा रही हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? उसी दिन से। अच्छा, पर ये है कौन, क्या आप इसे जानते हैं? आप लोग नहीं जानते हो। अच्छा, मतलब आप उस चोटी काटने वाले को जानते हैं, तो आपने उससे कुछ पूछा नहीं? आप पूछा हमने तुम्हारा कौन है बताओ। और क्या बोला आपने? हमने कहा कि तुम्हारे वंश में कोई है नहीं का रे। अरे बाप रे, आपने चोटी काटने वाले का वंश तक पूछ डाला, कहीं वो आपके घर में घुस गया तो? लालू को डरवा रहा है। अरे नहीं नहीं लालू जी, ऐसी बात नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ कि अगर आपके घर में वो घुस गया चोटी कटवा, तो आप क्या करेंगे? आओ फरियालो। अरे आप तो सीधे चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, राबड़ी जी को छोड़कर आपके घर में और कोई लेडीज है? हमारी सात बेटी। सात बेटी? अगर मान लीजिए चोटी कटवा आपकी बेटियों को चोटी काटने वाला होता और आप वहीं उस समय मौजूद होते, तो आप क्या करते? भीख मांगते। भीख मांगते आप? अगर वो फिर भी नहीं मानता और आपकी बेटियों को चोटी काट लेता, तो फिर आप क्या करते? बैठ के चाटते रहते हम लोग। क्या लालू जी, आप भी कैसी कैसी बात करते हैं। अच्छा ये सब छोड़िए लालू जी, ये देखिए चोटी कटने के डर से लोग आजकल क्या क्या कर रहे हैं, देखिए। कमाल के लोग है भाई। वही तो, ये सब चल रहा है आजकल देश में, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर के मारे हम लोग का सर हमारा झुक गया। बात तो सही है लालू जी, लेकिन चोटी काटने वाले से उपाय बताइए जिससे हमारी देश की महिलाओं का छुट्टियाँ बची रह सके। रुपया लाओ जमा करो। ऐसे तो नहीं है मेरे पास, कोई फ्री में छोटा मोटा वाला उपाय हो तो बता दीजिए। अरे वो आप कुछ बोल रहे थे ना, कोई माला बना के पहनने के लिए, कौन सा माला था वो? अरे आप ही बता दीजिए कौन सा माला था वो। प्याज का माला बना कर। हाँ यही बात। और लालू जी, एक कोई मंत्र था ना आपने मुझे बताया था कि उसको महिलाएं अगर रात को सोने से पहले उसका जाप करे तो चुटिया बची रह जाती, वो मंत्र कौन सा था लालू जी? मोदी मोदी मोदी। नहीं नहीं दिया, एक बार और, एक बार और, एक बार और। मोदी मोदी मोदी। लालू जी के लिए जोरदार तालियां। लालू जी एक बार और, आखिरी बार, आखिरी बार। कान में शीशा डालो। कान में शीशा डालो? ये आप क्या बोल रहे हैं लालू जी? ये कौन है भीख मांगने वाला? आपको अचानक से क्या हो गया लालू जी, आप हमको ये सब क्यों बोल रहे हैं? सुनो। हाँ बोलिए। सीबीआई में भी हमको जानने वाले लोग हैं। तो मैं क्या करूँ? आप हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। गाली देते हो? गाली और मैं? क्या बात कर रहे हैं आप, छोड़िए हमको नहीं लेना आपका इंटरव्यू, आप बहुत एटीट्यूड में बात कर रहे हैं। टूट होता है कि ट्यूट। हाँ वही एटीट्यूड, छोड़िए जाइए इंटरव्यू खत्म। अच्छा सुनो भाई। नहीं मुझे नहीं सुनना आपकी बात। बात सुनो भाई। क्या है बोलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। एक मिनट लालू जी, वैसे एक बात पूछूं, आपको हमारा भौकाली गंज का पिछला वीडियो कैसा लगा? आधा घंटा तक वही में अटके ही रह गए। आधा घंटा? बाप रे। चलिए तब इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन मैं आपसे जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, रेस्टोरेंट के खाने के बिल से कहीं सांप न निकल जाए, रेस्टोरेंट के खाने के बिल से कहीं सांप न निकल जाए। अपनी जबान को लगाम दे, कहीं मेरी जबान से तेरे लिए सांप न निकल जाए, सांप न निकल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।